ये है फिलिप्स, जो एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी में एड डिजाइनर की काम करती है। उसकी काम करने वाली कंपनी ब्यूलन नाम का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो लोगों की जवानी कायम रखती है। इस कंपनी की चीफ जॉर्ज फिलिप्स को अपनी केबिन में बुलाती है और उससे बोलते हैं, तुमने जो ब्यूलन की एड डिजाइन किया है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तुम ऐसे काम करोगे तो नहीं चलेगा। जॉर्ज की वाइफ लॉरेल बोलती है, जॉर्ज तुम जानते हो ये आर्ट में कितनी माहिर है, इसे और एक चांस देना चाहिए। जॉर्ज वाइफ की बात सुनकर फिलिप्स को बोलते हैं, तुम मुझे ये ठीक करके किसी भी हालत में कल दे देना। फिलिप्स अपने बॉस को थैंक्स बोल के वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब वो अपने घर में एक पेंटिंग बना रही होती है, तभी वहां पे उसे एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। जब वो देखने के लिए जाती है, वो देखती है कि एक बिल्ली बिल्डिंग की एक जगह में फंसी हुई है। फिलिप्स अपने जान जोखिम में डालकर भी उस बिल्ली को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच वो खुद ही फंस जाती है। तभी रास्ते से जब एक पुलिस अफसर गुजर रहा होता है, वो फिलिप्स को देखकर गाड़ी से उतर जाता है और फिलिप्स से बोलते हैं, तुम सुसाइड करना चाहती हो क्या? ऐसा मत करो, ये गलत बात है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं एक पुलिस वाला हूँ। फिलिप्स बोलती है, नहीं नहीं, मैं यहाँ फंस गई हूँ, आप मेरी हेल्प कीजिए। पुलिस अफसर फिलिप्स से बोलता है, तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद पुलिस अफसर जाके फिलिप्स को बचाते हैं। इसी बीच फिलिप्स को फिर से वो बिल्ली दिखाई देता है जिसको वो बचाने की कोशिश कर रहा था। बिल्ली को देखकर उसको थोड़ी सी हैरानी होती है। उसके बाद वो अपनी ऑफिस चली जाती है और अपनी एड डिजाइन को ठीक करने लगती है, और उसकी काम होते होते रात हो जाती है। काम खत्म होने के बाद फिलिप्स अपनी एड डिजाइन देने के लिए अपनी बॉस जॉर्ज की जगह जाती है। जब वो वहां जाती है, उसको कंपनी की कुछ सीक्रेट के बारे में सुनाई देता है। असल में ये कंपनी जो ब्यूलन नाम का प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, उसकी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। अगर कोई ब्यूलन यूज करना बंद कर देगा, उसका स्किन पूरी तरह से खराब हो जाएगा। इसलिए जो एक बार ब्यूलन यूज करेगा, उसको जिंदगी भर इस क्रीम को यूज करना पड़ेगा। जब जॉर्ज और उनकी पत्नी को पता चलता है कि किसी ने उन लोगों की बात सुन लिया है, वो लोग उस इंसान को मारने के लिए अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं। जब ये लोग फिलिप्स को मारने जाते हैं, फिलिप्स भागने लगती है। जान बचाते बचाते फिलिप्स एक ड्रेनेज पाइप में घुस जाती है, लेकिन इन लोगों को जब पता चलता है, ये लोग ड्रेनेज पाइप को फ्लश कर देते हैं। फिलिप्स पानी में गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी वहां पे एक बिल्ली आती है और फिलिप्स की शरीर को पानी से बाहर लाती है, और देखते ही देखते वो अपनी जादुई शक्ति से फिलिप्स को जीवनदान देती है। फिलिप्स जिंदा होने के बाद उसमें बिल्ली की पावर्स आ जाती है। इससे वो थोड़ी सी हैरान होती है, लेकिन रात भी बहुत हो चुकी थी, वो अपने घर जाके सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खोलती है, उसको वो ही बिल्ली दिखती है जिसने उसको जीवनदान दिया था। फिलिप्स को उस बिल्ली के पास एक पेपर दिखती है जिसमें उस बिल्ली का एड्रेस लिखा होता है। फिलिप्स उस बिल्ली को अपने घर छोड़ने के लिए जाती है। वो वहां जाके देखती है कि उस घर की लेडी के पास बहुत सारी बिल्ली है। फिलिप्स बातों बातों में उस बिल्ली के बारे में पूछती है जिसने उसको जीवन दान दिया है। वो लेडी बोलती है, इसका नाम मिडनाइट है, ये इजिप्ट की एक बहुत ही स्पेशल टाइप की बिल्ली है, इसको वहां पर टेम्पल कैट के नाम से जाना जाता है, इनमें बहुत सारी जादुई शक्ति है। ये सब बताने के बाद वो लेडी फिलिप्स से पूछती है, तुम कुछ टेंशन में लग रही हो, तुम मुझे खुल के बता सकती हो? फिलिप्स बोलती है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कल की बातें कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद फिलिप्स फिर से उस लेडी से बोलती है, अब मुझे ऑफिस जाना होगा, मुझे लेट हो रहा है। ऐसा बोल के वो अपनी ऑफिस चली जाती है। फिलिप्स जब ऑफिस पहुंचती है, तब उसको जॉर्ज गुस्से से बोलते हैं, तुमने मुझे वो एड डिजाइन क्यों नहीं दिया, तुम तो कुछ भी काम के लायक नहीं। फिलिप्स बोलती है, मैं भी आपकी कंपनी में काम करके मेरी टाइम बर्बाद ही कर रही हूँ, नहीं तो अब तक मैं एक मशहूर आर्टिस्ट बन जाती। जॉर्ज गुस्से में बोलते हैं, अभी मेरी कंपनी से दफा हो जाओ। फिलिप्स बोलती है, मुझे भी तुम्हारी कंपनी में काम करने की कोई शौक नहीं है। ऐसा बोल के वो वहां से काम छोड़ के चली जाती है। जब वो घर लौट रही होती है, उसे एक डायमंड की नेकलेस दिखती है। वो डायमंड नेकलेस उसको बहुत पसंद आती है, इसलिए उसी रात को वो पहले अपने आप को एक नया लुक देती है, उसके बाद उस ज्वेलरी शॉप में हीरे की नेकलेस लाने जाती है। लेकिन उसे वहां पे दो चोर दिखती है जो ज्वेलरी चुराने के लिए आया होता है। फिलिप्स और उन चोरों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन फिलिप्स के पास बिल्ली की जैसी अनोखी ताकत होने के कारण चोर उसको टक्कर नहीं दे पाती। फिलिप्स चोरों को मार के नीचे गिरा देती है। उसके बाद वो डायमंड की नेकलेस और बहुत सारी ज्वेलरी लेके अपनी घर चली जाती है। मॉर्निंग को जब वो सो के उठती है, वो थोड़ा सा हैरान होती है
कि रात को उसके पास इतनी शक्ति कहां से आ गई थी। इसी बात की आंसर ढूंढने के लिए वो उसी घर में जाती है जहां मिडनाइट रहती है। जब वो वहां पहुंचती है, उस घर की लेडी बोलती है, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। फिलिप्स पूछती है, आपको ऐसा क्यों लगा था? लेडी बोलती है, उस रात क्या हुआ था तुम्हें याद है क्या? फिलिप्स बोलती है, नहीं, उस रात की बात मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेडी बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। उस रात को किसी ने तुम्हें मार दिया था, लेकिन मिडनाइट ने तुम्हें बचाया था। मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था कि मिडनाइट एक जादुई बिल्ली है। इजिप्ट में उसको टेम्पल कैट भी बोला जाता है। मिडनाइट को पहले से पता था कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, इसलिए उस दिन उसने तुम्हारी परीक्षा ली थी। वो जानना चाहती थी तुम्हारी अंदर इंसानियत है कि नहीं, लेकिन तुमने उस दिन अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी जान बचाने की कोशिश की, और इसलिए ही मिडनाइट ने तुम्हें जीवनदान ही नहीं बिल्ली की बहुत सारे शक्तियां भी दी। इसलिए तुम अब आम इंसान नहीं हो बल्कि कैटवुमन हो। ये सब सुन के फिलिप्स बोलती है, मुझे किसी ने मार दिया था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। जिसने मुझे मारा था मैं उसको जरूर ढूंढ निकालूंगा और उसको अपनी किए की सजा दूंगा। ऐसा बोल के फिलिप्स वहां से चली जाती है और उसको जिसने मारा था उसको ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उसको एक आदमी दिखती है। ध्यान से देखने पर उसको याद आता है कि इसी आदमी ने उस पर गोली चलाया था। वो उस आदमी के पास जाती है, उस पर हमला कर देता है और उसको जबरदस्ती पूछता है, तुमने उस दिन मुझे क्यों मारने की कोशिश किया था? वो आदमी बोलते हैं, उस दिन तुमने ब्यूलन के बारे में कुछ ऐसा सुना था जो तुम्हें नहीं सुनना चाहिए था, इसलिए मुझे तुम्हें मारने के लिए ऑर्डर दिया गया था। ये सुनने के बाद फिलिप्स उस आदमी को मार देते हैं और उसके बाद ब्यूलन बनाने वाली कंपनी में जाती है। वो वहां जाके ब्यूलन के बारे में सब कुछ पता लगा लेती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन फिलिप्स जॉर्ज के घर में जाती है, लेकिन वहां पे जॉर्ज नहीं होता है, उसकी वाइफ लॉरल होती है। फिलिप्स लॉरल से बोलती है, जॉर्ज कहाँ है? लॉरल बोलती है, मैं जब घर में रहती हूँ वो घर में नहीं रहता है, वो मुझे पसंद नहीं करता है, वो दूसरी लड़कियों के साथ ही ज्यादा घूमते रहते हैं। फिलिप्स बोलती है, तुम्हारी पति आए तो बोल देना, मैं ब्यूलन के बारे में पूरी सच जान चुकी हूँ। लॉरल बोलती है, ब्यूलन में क्या खराबी है? मैं इतने दिनों से उसे यूज कर रही हूँ, ब्यूलन की वजह से ही मैं अब तक जवान हूँ। ये सब सुनकर फिलिप्स बोलती है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम बस जॉर्ज कहाँ है बताओ। लॉरल फिलिप्स को हस्बैंड की लोकेशन देती है और उससे बोलती है, ये मेरी मोबाइल तुम लेके जाओ, जब भी मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट करना चाहूंगी तब कर पाऊंगी। फिलिप्स मोबाइल लेके वहां से चली जाती है। उसके बाद वो जॉर्ज के पास पहुंचती है और उस पे हमला कर देती है, लेकिन वहां पे पुलिस आ जाती है। पुलिस के साथ उसकी जबरदस्त फाइट होती है। कुछ टाइम फाइट करने के बाद फिलिप्स पुलिस को चकमा देके वहां से चली जाती है। रात को जब फिलिप्स सो रही होती है तभी लॉरल का कॉल आता है। लॉरल कॉल पे बोलती है, जॉर्ज अभी घर में है, तुम जल्दी से आ जाओ। फिलिप्स जब वहां पहुंचती है, लॉरल बोलती है, अब ब्यूलन को मार्केट में आने से कोई नहीं रोक सकता है। ब्यूलन के साइड इफेक्ट्स के कारण जॉर्ज भी आखिरी वक्त में ब्यूलन को मार्केट में लाने से मना कर रहा था। उसको मैंने रास्ते से हटा दिया, अब मैं तुमको भी रास्ते से हटाऊंगा, मेरी ब्यूलन को मार्केट में आने से कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसा बोलने के बाद लॉरल वो गन जिससे वो जॉर्ज की हत्या की थी उस गन को फिलिप्स के हाथ में देते हैं और पुलिस को अंदर बुला लेती है। जॉर्ज को मारने की जुर्म में फिलिप्स को जेल में बंद कर दिया जाता है। जॉर्ज और फिलिप्स को अपने रास्ते से हटाने के बाद लॉरल ब्यूलन को लॉन्च करने की तैयारी करने लगती है। वही दूसरी तरफ फिलिप्स जो जेल में होती है, रात को वो जेल से भाग जाती है और लॉरल के पास पहुंचती है। फिलिप्स लॉरल पे हमला कर देती है। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है, दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हैं। कभी फिलिप्स लॉरल को मार के गिरा देती है, कभी लॉरल फिलिप्स को गिरा देती है, लेकिन फिलिप्स के पास बिल्ली की अनोखी शक्ति होने के कारण आखिर में वो लॉरल पे भारी पड़ती है। फिलिप्स लॉरल को मार देती है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। ऐसी और एक्साइटिंग मूवीज के लिए सब्सक्राइब स्नैपी मूवीज एंड हिट दैट नोटिफिकेशन आइकॉन।